गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बी ए सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंदर आज हम अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक बेसिक ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी विद्यालय शिक्षा में आर्थिक आधार, यानी विद्यालय शिक्षा में हम किस प्रकार आर्थिक आधार को सम्मिलित करते हैं, उनके विचारों को सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा है, सर हम देखते हैं कि छात्रों में धन को उचित व सार्थक उपयोग के दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि छात्र को जब धन की उपयोगिता क्या है, उसका सही प्रयोग क्या करना चाहिए। अगर उस चीज़ की अगर हम जानकारी देते हैं तो छात्र उससे संबंधित बातों को ध्यान रखते हैं और धन का बचत भी करने लगते हैं। अगर हम देखें कि धन को अगर व्यक्ति सब कुछ मानता है तो वह सार्थक नहीं है, क्योंकि धन सब कुछ नहीं होता है। इस प्रकार की जानकारी हमें विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत लेनी चाहिए। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो भी विचार उनको सम्मिलित किस प्रकार किया गया है, जिसमें पहला है आर्थिक आधार में हम देखेंगे शिक्षा को धन से नहीं जोड़ना चाहिए। सबसे पहले पहला विचार है उसमें बताया गया है कि शिक्षा को धन से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा निस्वार्थ या अधिक धन न कमाकर दी जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसको शिक्षक द्वारा प्रदान किया जाता है और छात्रों का स्वामी विकास किया जाता है। तो अगर हम देखें तो शिक्षा को धन से संबंधित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि शिक्षक क्या करता है, कई बार धन ट्यूशन की फीस ना आने पर, स्कूल फीस ना आने को बच्चे को स्कूल से बाहर खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें शुल्क अगर उन्हें जमा नहीं करवाया है तो उन्हें बाहर नहीं निकाल कर और ज़्यादा प्रेशर ना करके उन्हें कुछ समय देना चाहिए, ताकि वह भी इस बात को सोच कर वह विद्यालय में धन को समय में जमा करवा सके। फिर नेक्स्ट है धन के सार्थक उपयोग की जानकारी करनी चाहिए। अब हम देखें कि धन का उपयोग कैसे करना है, उसकी जानकारी छात्रों को देनी चाहिए। और धन का जो उपयोग हमें स्वास्थ्य शिक्षा में अधिक लगाना है, हम कहाँ लगा सकते हैं, शिक्षा धन लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगाया हुआ धन बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे छात्रों को एक और शिक्षा प्राप्त होती है। और अगर हम स्वास्थ्य में लगाते हैं तो वहाँ व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। तो ऐसे कार्य में धन का उपयोग करें जहाँ पर व्यक्तियों का अधिक विकास हो सके, व्यक्तियों के लिए जरूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए, उनका पेन के लिए पैसा काम आ सके। फिर नेक्स्ट है छात्रों में मित्रता की भावना का विकास करना,
आधार के अंतर्गत छात्रों में मित्रता की भावना का विकास करना चाहिए। अब हमें बताना चाहिए कि अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो उसमें हमें रहना या उसमें गुजारा करना आना चाहिए, जिसके आधार पर हम कोई भी कहानी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहानी बचपन पढ़ी थी कि एक तो बापू होता है जो पुरानी पेंसिल से अपना कार्य चलाता है, नए पेंसिल आने के उपरांत भी वह पुरानी पेंसिल से अपने कार्य को करता है। तो उससे हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार अगर हमारे पास कम धन है तो धन का उपयोग हमें सही करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए। इस आधार पर कहानी के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है धन के लिए छल कपट चोर अत्याचार शोषण भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है। इसके बाद हम आगे देखें कि धन के लिए जो छल कपट व्यक्ति किया जाता है, चोरी की जाती है, अत्याचार किया जाता है, भ्रष्टाचार धन के कारण जो है उस पर रोक लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति धन का सही उपयोग कर सके। तो ये था आर्थिक आधार, यानी विद्यालय शिक्षा में हम किस प्रकार धन से संबंधित चीजों को, ये धन संबंधित बातों किस प्रकार हम छात्रों के समक्ष रखेंगे, किस प्रकार विचारों को हम रखेंगे, जिससे छात्र धन का सही उपयोग कर सके। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है, विद्यालय शिक्षा के आर्थिक आधार विद्यालय शिक्षा के आर्थिक आधार बताएं। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप लोगों मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा